डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में फर्स्ट एचपी गर्ल्स बटालियन सोलन के अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हिमाचल प्रदेश के 750 कैडेट्स ने भाग लिया है। ये शिविर का आयोजन 10 जुलाई से 19 जुलाई तक किया जा रहा है। कर्नल संजय शांडिल ने बताया कि इस शिविर में मुख्यतः कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा, जिसमें उन्हें फायरिंग, पीटी गेम्स और उनके फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए वेरियस टैक्टिक्स के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें CPR, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो अपने आने वाले समय में इनका इस्तेमाल कर सके। साथ ही इस कैंप का उद्देश्य राष्ट्र की तरफ कैडेट्स को प्रेरित करना है और एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। हमारा कैंप है जिसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। ये 1HP गर्ल्स बटालियन जो कि बटालियन सोलन में स्थित है, ये हमारे बटालियन के अंतर्गत वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 750 कैडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं और ये 10 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें मुख्यतः कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा, जिसमें कि उनको फायरिंग, पीटी, गेम्स और उनका फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए उनको वेरियस जो हमारी टैक्टिक्स होती है, फौज की टैक्टिक्स जैसे मैप रीडिंग, लीडरशिप ट्रीटमेंट एंड उनका, ताकि चहुमुखी विकास हो सके, उनको अनेक फील्ड्स के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया जाएगा और उनको उन विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक CPR, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी इत्यादि पे भी तवज्जो दिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञ आके कैडेट्स को प्रशिक्षित करेंगे और कैडेट से भी ये कार्रवाई कराई जाएगी, ताकि वो कभी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें सहभागिता दिखा सके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो कार्रवाई कर सकें।